दोस्तों, जैसे कि आप इस सैटेलाइट पिक्चर से देख सकते हैं कि अगले कुछ दिन उत्तराखंड में अभी भी बारिश का दौर जारी रहेगा। कहीं कहीं पे सीवियर बारिश होने की भी संभावना है, जिसमें सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान, और जैसे कि उत्तराखंड में 2021 में जो एक्चुअल रेनफॉल थी जून सितंबर में 1156 मिलीमीटर हुई थी, जो कि नॉर्मल से थोड़ी सी कम थी, 1176.9 नॉर्मल थी पहले के, जो जिसमें कि 2% डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल पाया गया। 24 घंटे के अंदर देहरादून में लगभग 22 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वहीं टिहरी में 7 मिलीमीटर दर्ज की गई, मुक्तेश्वर में 5 मिलीमीटर दर्ज की गई। सैटेलाइट पिक्चर से एग्जैक्ट पता चल जाता है कि रेनफॉल कौन कौन से एरिया में होने वाली है, जैसे कि आप इस सैटेलाइट में देख सकते हैं, एनिमेशन के जरिए आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे बारिश की संभावना है, किस टाइम पे कितनी होगी। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन है, बादल का संगत कहते हैं इसे, आप देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर में बादल कैसे कहाँ कहाँ पे एक्युमुलेट हो रहे हैं, जहाँ पर कि बारिश की संभावना बन रही है। तो अगले 2-3 दिन काफ़ी बारिश होने वाली है। जो भी नदी नालों के किनारे हैं वो सतर्क रहें। जो टेक्नोलॉजी अभी वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, आप इस सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं। आपको अगर विंड स्पीड देखनी है, रेनफॉल देखनी है, टेम्परेचर देखना है, ह्यूमिडिटी देखनी है, या आपको वाटर क्वालिटी देखनी है, या आपको एयर क्वालिटी देखनी है, तो इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। आप ये देख सकते हैं, इसमें क्लियरली दिख रहा है। इसी आधार पे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि कब रेनफॉल होगी, कब धूप निकलेगी और किस एरिया में रेनफॉल हो सकती है। ये सिर्फ इन्हीं मॉडल